एक नए दिन की शुरुआत होती है एक नई लोकेशन से दोस्तों। तो क्वेरी लेक नाम की एक लोकेशन है यहाँ पर। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप देखो, ये है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ये लेक है, और ये आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये किसी का प्राइवेट लैंड है और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। बाकी जगह काफी सुंदर है ये। एक और रास्ता है नीचे उतरने का लेक पर। यहाँ से काफी अच्छी लेक लग रही है और बिल्कुल ये रास्ता पानी तक जा रहा है। हल्का सा स्लोप है पर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये टेप लगी हुई है ताकि हम ना जा सकें। लगभग 20-25 कदम थोड़ा और आगे आया हूँ और यहाँ पर एक और लेक है ये। तो मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे माइनिंग हुई है, उसकी वजह से जो गड्ढे खुदे हैं उसमें, और क्योंकि ये कोस्टल एरिया है तो यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और ये लोग इसे लेक बोलने लगे हैं। एक और स्पॉट ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर। तो मेरे पीछे जो आपको ये फेंसिंग दिख रही है, ये है मिरासोल वाटर पार्क की या फिर मिरासोल रिजॉर्ट की। सो यहाँ पे एक मिरासोल लेक गार्डन या गार्डन लेक करके जगह है, जो गूगल मैप्स पे जिसकी फ़ोटो काफ़ी अच्छी दिख रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि जो लेक गार्डन है वो रिजॉर्ट के अंदर है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको शायद थोड़ा बहुत दिख पा रहा हो। ये जो ट्रेन की पटरी है, ये अंदर जो लेक है, ये सब कुछ ही इस मिरासोल रिजॉर्ट का पार्ट है। इसके अंदर एक वाटरफॉल भी है और ये देखने में काफी सुंदर लग रहा है। पूरा काफी बड़ा एरिया है और बहुत सही है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप अगर जैसे 2 दिन की स्टेकेशन प्लान करते हैं तो उसमें से एक दिन आप यहाँ रह सकते हैं और वाटर पार्क का भी मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि दमन में जो घूमने का मज़ा है वो है शाम को, या फिर अगर आप सुबह उठ के सनराइज के टाइम पर बीच जाना चाहें तो मेनली यहाँ पे बीच का ही मज़ा है। बाकी जैसे मैंने बोला, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप बढ़िया रिजॉर्ट्स में रह सकते हैं, और जिसमें से ये एक बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों मैं हूँ देवका बीच के पीछे वाले रोड पर। तो इधर है देवका बीच और उसके जो पैरेलल रोड चल रहा है उस पर हूँ मैं। खोज चल रही है बढ़िया फ्रेश सी फूड की, तो देखते हैं कहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा। 2-3 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में ट्राई करूँगा, थोड़ा कुछ ऑथेंटिक खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। गॉट सम तवा फ्राइड प्रॉन्स, ये फ्रेश प्रॉन्स हैं, आज के ही हैं, आई एम नॉट श्योर अभी के हैं कब के, मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ। वैसे तो गाइज आई डोंट एन्जॉय सी फूड, बट ये प्रॉन्स सही लग रहे हैं यार, मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है ना खाने में। दोस्तों अपनी फूड हंट में एक और जगह पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे एक भाई है, उनसे मैंने बात की तो बोले कि दमन का ऐसे कोई ऑथेंटिक डिश नहीं है जैसे गोवा की गोवन थाली हो गई या फिर लद्दाख के जैसे थुपा मोमो या तिब्बतन फूड हो गया, या फिर जैसे हरियाणा में आप कह लो दूध हो गया, लस्सी हो गई, आलू के परांठे हो गए, पंजाब में छोले भटूरे हो गए, या साउथ में इडली सांभर डोसा, या फिर उनके स्टाइल के राइस चिकन जैसे चिकन नाडु चिकन ऐसे एक्सेट्रा। तो यहाँ का ऐसे कोई स्पेशल फूड नहीं है, यहाँ पे मोस्टली लोग सब कुछ ही खाते हैं। कैफेज काफ़ी हैं यहाँ पे यार रोड पे ना, पर कैफेज का कोई फन नहीं है, मतलब पास्ता पिज्ज़ा, मैं गुड़गांव में रहता हूँ उससे अच्छा तो आई डाउट कि यहाँ पे मिलेगा।
उसके बाद यहाँ पे चाइनीज दुकानें बहुत है, तो आई थिंक यहाँ के लोग चाइनीज खाना काफी पसंद करते हैं। ऑल्सो कल रात को जब मैं बीच के किनारे घूम रहा था या बीच के साइड की फूड मार्केट में घूम रहा था, तो वहाँ पे ये रोल्स की दुकान बहुत थी। तो यहाँ पे काफी लोगों को रोल्स भी बहुत पसंद है, चिकन रोल, एग रोल, वेज रोल एक्सेट्रा। तो कुल मिला के मैं एक और नई जगह पे बैठा हूँ। यहाँ पे मैंने आई थिंक फ्राइड चिकन ऑर्डर किया है। मैं थोड़ा नॉन वेज को प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे रात को मैंने डिनर वेज ही किया था, पर मैं नॉन वेज को प्रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ का कैसा जायका है। तो ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही आता है खाना मैं आपको बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है। दोस्तों जो अपनी अगली डिश है वो है फ्राइड चिकन, ये आ चुका है। लेट्स ट्राई कैसा है। ओके है, कुछ ऐसा बहुत अमेजिंग नहीं है। हल्का फुल्का मसालों का टेस्ट है जो वो अलग है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। बाकी ठीक है, आई विल से 6 out of 10। तो दमन में एक चीज़ है जो खाना है आई थिंक वो इतना ग्रेट नहीं है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं दमन की थोड़ी टूरिस्ट फ्रेंडली बीच पर, और 2 दिन से मैं अपनी बैग में चश्मा लेके घूम रहा हूं। आज जब धूप तेज है, आज ही मैं चश्मा नहीं लेके आया, और अब मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। हाँ जी, तो मैं हूं जम्पोरे बीच पर। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैमल राइड कर रहे हैं लोग, हॉर्स राइड आप कर सकते हो, ATV भी चला सकते हो। उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे ये हॉर्स कार टाइप भी दिख रही हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। देन यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन अभी जारी है, चल रहा है काम, और उसके बाद सामने पूरा मार्केट है, और यहाँ पे बहुत सारी फूड स्टॉल्स भी हैं। तो एज अ टूरिस्ट तो ये जन्नत है, क्योंकि टूरिस्ट को यही सब चीज़ें चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा है आई विल से, क्योंकि कल इस टाइम पे देवका बीच पर इतनी भीड़ नहीं थी जितनी जम्पोरे बीच पर है। तो आई थिंक शाम तक थोड़ी भीड़ और बढ़ जाएगी। रात तक मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ और बढ़िया सनसेट एंजॉय करने वाला हूँ। दोस्तों बीचों पर तो मैं बहुत गया हूँ, पर जितना हेवनली एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहा है ना, छोटी छोटी लहरें, बहुत ही अच्छी हवा, सनसेट का आनंद, और काफी खाली बीच है ये, तो ना शोर शराबा है लोगों का। लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं, वो भी अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस है यहाँ पर, एकदम रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है ये। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल मोती दमन फोर्ट के पास। सामने उधर फोर्ट है, यहाँ पे एक गोवन
एक गोवन रेस्टोरेंट है, तो अंदर चल के देखते हैं कि हमें गोवन फूड मिलता है या नहीं, क्योंकि मुझे गोवन फूड काफी पसंद आया था जब मैं गोवा गया था। टू माई डिसअपॉइंटमेंट गाइस, यहाँ पर अभी सिर्फ चाइनीज मिल रहा है। ये बोले कि हम अक्टूबर के बाद स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इनका ओपन एरिया है तो खुले में भी सीटिंग करेंगे। तो अभी भाई गोवन थाली खाने का तो सपना हो गया चूर चूर। यहाँ पे एक albake.com करके है, जो कि मिडल ईस्ट का फूड है, तो थोड़ा मिडल ईस्ट का खाना खाते हैं डिनर में। दोस्तों बाहर लिखा था द टेस्ट ऑफ मिडल ईस्ट, पर अंदर मेन्यू मैंने देखा तो इसमें मिडल ईस्ट का कुछ भी नहीं है। पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स, फ्राइज, चिकन लॉलीपॉप, राइस बॉल्स एक्सेट्रा, ये सब है। बाकी इनके पास वॉफल, मोहितो, ये सब है। तो मैं कॉफ़ी के लालच में अभी बैठ गया हूँ, बढ़िया अमेरिकानों पीने को मिलेगी और कुछ खा भी लेंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है डिनर, ये है पेरी पेरी राइस बॉल और ब्लैक कॉफ़ी। आई नो डिनर के टाइम कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, पर कॉफ़ी एडिक्ट्स के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर भी कॉफ़ी पी के भी सो जाता हूँ अगर मुझे नींद आनी है तो, और थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ। सही है, नॉट बैड, बट आई विल नॉट कम अगेन एंड ईट। दोस्तों डिनर हो गया, कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी, चावल सोसो ही थे। बाकी होटल जाने से पहले मैं आपको ये जो फोर्ट है मोती दमन फोर्ट, उसके बाहर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, जो काफ़ी सुंदर है। दोस्तों समय आ गया है दमन को बाय कहने का और वापस घर के और जाने का। तो मैं हो चुका हूँ तैयार, अपना सारा सामान बांध लिया है, होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। टाइम है लगभग 11:30 का, ट्रेन है मेरी 1:30 बजे की, तो मुझे लगभग आधा पौना घंटा यहाँ से वापी रेलवे स्टेशन पहुँचने का भी लगेगा। और फिर मैं वापी पहुँचने के बाद थोड़ी देर स्टेशन पर वेट करूँगा, शायद थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। वैसे तो मैंने अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया है, और उसके बाद अपन ट्रेन में बैठ जाएंगे।